नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन ने एक बार फिर से अपनी ताकत को आजमाने का काम किया। 27 जुलाई को महाराष्ट्र विधान परिषद से 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में विधान परिषद के यहाँ पर जो सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव करवाए गए और इन चुनाव में 9 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली तो 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जीत नसीब हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं एक संतोष का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की यहाँ पर NCP शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि पिछले दिनों जिस तरीके से जो तमाम बयानबाजियां देखने को मिली, चाहे वो फिर प्रफुल्ल पटेल जो कि यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी के दिग्गज नेता हैं, या फिर एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि यदि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पर दोनों पक्षों से नहीं बनाए जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त पर कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि प्रफुल्ल पटेल का साफ तौर पर ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीत करके सबसे बड़ी महाराष्ट्र की पार्टी बन गई है और वहाँ पर अध्यक्ष नाना पटोले का ये कहना है कि आगामी वक्त में तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई जाएगी। महाराष्ट्र से बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। लेकिन विधान परिषद के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ये दर्शा दिया है कि आगामी वक्त में यदि कोई बड़े सहयोगियों के साथ मिलकर के फैसले नहीं लिए गए तो यहाँ पर फिर आगामी वक्त की रणनीतियाँ कुछ दूसरे तरीके से तैयार होती हुई नजर आ सकती हैं। इस वक्त आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार खुलकर के अपनी राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी वक्त में यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ संकेत ये दे दिए गए हैं कि यदि दोबारा से एकनाथ शिंदे या उनके विधायक शिवसेना का रुख करना चाहते हैं तो उनके रास्ते हमेशा के लिए खुले हुए हैं। इन महाराष्ट्र की राजनीतिक जो सियासी गलियारों की हलचलें हैं वो दिल्ली तक राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर चिंतन मंथर कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को बचाया जाए। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में यहाँ पर सरकार बनाने के लिए वर्तमान वक्त में देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के पास संख्या बल मौजूद नहीं है। शरद पवार ने साफ संकेत देते हुए ये कह दिया है कि आगामी वक्त में हम मिलकर के इंडिया अलायंस के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त मजबूत है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिवसेना का अधिकार और शिवसेनाओं के शिवसैनिकों की यहाँ पर जो दिल का दर्द है उसको कोई और नहीं छीन सकता। ये तमाम बातें संजय राउत की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि संजय राउत यहाँ पर लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि आगामी चंद महीनों में ही जो महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं विधानसभा में, यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका देने का काम इंडिया अलायंस करने वाला है। अब देखना ये होगा कि एक एक कैबिनेट मंत्री की मांग पर अड़े यहाँ पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मांगों को क्या पूरा किया जाता है। महाराष्ट्र के सत्ता को बचाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी, या फिर ये दोनों नेता जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर से लेकर किंग तक पहुंचने का काम कर चुके हैं, क्या आगामी वक्त में यही निर्धारित करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में किसके सर पर सत्ता का ताज सजने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।